सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, लाइक जरूर करें। सोनल की रसोई। हेलो फ्रेंड, सोनल की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टर फ्राइड ग्रीन वेजिटेबल बनाना सिखाऊंगी, जो कि एक चाइनीज की डिश है। आपने होटल में तो वैसे अक्सर खाया होगा, लेकिन घर में हम इसको कैसे बना के खा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। गैस स्टार्ट करेंगे, इसमें हम ऑयल डालेंगे 2 स्पून, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ता है। तेल गर्म हो चुका है फ्रेंड, अब हम इसमें डालने के क्या वाले हैं, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च है जो कि मैंने काट लिया है, ये डाल देंगे। इसको थोड़ा सा चलाएंगे। अब हमें इसमें प्याज डालना है, ये कटे हुए प्याज, इसको फ्राई करेंगे हम थोड़ा सा। फ्रेंड्स अभी हम इसमें गोभी, बीन्स और कैरेट को क्या करेंगे, थोड़ा गर्म पानी में उबाल लेंगे, इससे क्या है सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी और जल्दी से पक जाएंगी, क्योंकि बाकी सब्जियां कैसा है जल्दी पक जाती हैं, कैरेट, कैप्सिकम, ये बीन्स को थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी हम इसको चला लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये प्याज गोल्डन फ्राई हो गई है, अभी हम इसमें कैप्सिकम डाल देते हैं, कैप्सिकम इसके साथ के साथ फ्राई हो जाएगा। गैस मैंने अभी स्लो रखा हुआ है, थोड़ा सा तेज कर देती हूँ। अभी एक तरफ हमने जो सब्जियाँ डाली थी, गोभी, बीन्स एंड कैरेट, अभी वो बॉईल हो रहा है, तब तक हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमने जो वेजिटेबल बॉईल होने के लिए रखा था वो हो गया है कि नहीं। ये बॉईल हो चुका है, हम इसको चेक कर लेते हैं, गैस थोड़ा स्लो करते हैं, देखते हैं। यस, ये बॉईल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि ये पानी वेजिटेबल में डालने के काम में आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये इस तरह से हमने इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है, इसका कलर वैसा बना रहेगा। ये सब्जी ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब सब्जी ज़्यादा गल जाती है तो वो खाने में टेस्टी नहीं लगती। वैसे भी चाइनीज़ में सब्जियाँ थोड़ी सी कड़क रहती हैं। अब ये हमने बॉइल्ड वेजिटेबल इसमें डालना है, गैस तेज कर दिया है मैंने, अब इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें कैबेज डाल देते हैं, सारी सब्जियां फ्राई हो रही हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हर दिन आपके लिए नई नई डिश अपलोड करती रहूँगी। आप ये मिक्स कर दिया, इसको थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि ये हल्की सी पक जाए। अब फ्रेंड्स देखते हैं, सब्जी पक चुकी है, बता देते हैं। हाँ, ये सब्जी अच्छे से पक भी गई है और फ्राई भी हो गई है। अब इसमें आगे के सामान डालते हैं। अब इसमें हमें सॉस डालना है, ये टोमेटो सॉस। इसमें 2 से 3 चम्मच टोमेटो केचप डालना है, ये डाल दें। ये विनेगर है, मार्केट में आसानी से ये सारे सामान मिल जाते हैं। अभी इसको हम समझ लीजिए 2 से 3 चम्मच विनेगर डाल दिया। अभी इसमें सोया सॉस डालना है, ये इसमें हम ये 1 चम्मच और ये 2 चम्मच हमने सोया सॉस डाला है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है चाइनीज डिश का। अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अजीनोमोटो डालना है, ये अजीनोमोटो है। यदि आपको अजीनोमोटो नहीं डालना है तो नहीं भी डालेंगे, कुछ लोग इसे डालना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा सा डाल दीजिए। इसमें सॉल्ट डाल दीजिए,
जितना आपको सॉल्ट पसंद है टेस्ट के अनुसार आप इसको मिक्स कर लीजिए। अब हमें सब्जी को ढकना नहीं है, ये सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा यदि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च डाल दिया तो ये सब्जी एक दूसरे से अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी। ये कॉर्न स्टार्च मैंने निकाल रखा है, ये देखिए ये 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च है, ये बॉइल्ड वेजिटेबल का वाटर है। इस पानी को हम इसमें डाल देते हैं। कैसे ये सब्जियाँ इतनी अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिसके सारे विटामिन उसमें रहते हैं। इस वेजिटेबल को ज़्यादा पकाना नहीं है, अब इसमें इसको अच्छे से डाल दीजिए, डाल के इसे मिक्स कर लीजिए। अब ये पानी जो रखा हुआ है वेजिटेबल्स का, इसको भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं। आपको यदि सूखा रखना है तो आप सूखा भी रख सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा लटपटा कर रही हूँ ताकि ये रोटी से खाने में अच्छा लगे। अब ये वेजिटेबल रेडी हो गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अब हम इसको एक डिश में निकाल लेंगे, आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई करिए, खाकर देखिए आपको पसंद आता है, मुझे कमेंट्स करिए, लाइक करिए। ये देखिए ये स्टर फ्राइड वेजिटेबल रेडी है। थैंक यू।